हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज फाइनली जो है हमारा प्लान बना है कि हम वाटरफॉल जाएंगे। तो अभी मुझे एरोली में मेरी कज़न मिलने वाली है, तो हम लोग साथ में जाने वाले हैं। तो मुझे एग्जैक्टली अभी पता नहीं है कि कौन सा वाटरफॉल है, तो वो जब मिलेगी तो वो उससे मैं मिलाऊंगी आप लोगों को और वो बताएगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलो इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मुझे मिल गई है मेरी कज़िन वंदना। अब ये बताएगी कि एग्जैक्टली हम कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं गौलीदेव, ये आता है घनसोली और आबाली के बीच में। ओके, सो हम पहुँच गए हैं, ये पार्किंग जोन है यहाँ का। तो अभी चलते हैं अंदर और मैं दिखाती हूँ क्या क्या है। जैसा कि मेरे बर्थडे के दिन ये सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, इसलिए मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था और इसने मेरे लिए लाया केक, जो कि हमने कट कर लिया, आधा ख़त्म भी हो गया। तो मुझे याद आया कि व्लॉगिंग भी कर रही हूँ मैं, तो अच्छा केक है। थैंक यू वंदना। वेलकम सोनी। फिर अभी थोड़ी देर में ऊपर जाएंगे, चलना। तो फ्रेंड्स, ये है रास्ता ऊपर डैम जाने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो सामने ही बोर्ड लगा हुआ है कि ये घनसौली में है और ये है रास्ता ऊपर जाने के लिए, जो कि यहाँ पे थोड़े आपको स्टेयर्स मिलेंगे और उसके बाद ना ग्रीनरी के बीच में एक ऐसे रास्ता बना हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे लोग फैमिली के साथ भी आते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कि बहुत छोटे छोटे बच्चों के साथ भी आए थे कुछ लोग, और बहुत एजेड जो रहते हैं उनके साथ भी लोग आए थे। तो यहाँ पे फैमिली के साथ भी जा सकते हो। ये देखो, एक हेलमेट लगा के अतरंगी, ऐसे अतरंगी लोग भी आपको देखने यहाँ पे बहुत मिलेगा। तो ये रही मैं जो चढ़ चढ़ के ऊपर जा रही थी। हम ज़्यादा ऊपर नहीं गए क्योंकि डर लगता है, तो हम नॉर्मल ही जो ऊंचाई था वहीं पे गए थे और वहीं पे हमने इंजॉय किया, बहुत मज़ा किया। आगे आपको देखने मिलेगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आप भी यहाँ पे जा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ये तो मैं फ़र्स्ट टाइम गई यहाँ पे, इसके पहले मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था। बट ये जो मेरी कज़न है उसके घर के ये पास में ही है, तो वो हमेशा हर बारिश में जाती रहती है। तो बस ऐसे ही रास्ता करते करते हम फाइनली पहुंच गए हैं डैम के यहाँ पे। ये थोड़ा थोड़ा ही पानी आ रहा था क्योंकि इतनी बारिश नहीं थी आज, बट ठीक है, इतने पानी में भी हमने बहुत मज़ा किया। और थोड़ा जब शाम होने लगी ना, तो थोड़ा सा पानी का जो वो थोड़ा ज़्यादा देखने मिला, बट इतना भी ज़्यादा नहीं, ऐसा था कि आप वहाँ पर बैठ सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो ऐसा। Thank you.
आधे ऑफिस में से हाफ में मार के हम लोग आए इधर घूमने के लिए। ऐसे ही करते हैं, बट बारिश नहीं आ रही अभी। Yeah.